एवरीवन, मैं ओरियन, वेलकम बैक टू द चैनल रेहान खान ब्लॉग्स। सो आज की वीडियो में हम करने वाले रिव्यू, तो कुछ परफ्यूम्स है जो हमने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, तो उसका हम रिव्यू करने वाले एंड काफ़ी जेन्युइन रिव्यू होगा, जो होगा वो होगा इस वीडियो में और सच ही कहेंगे। और बाकी सब चलो फिर देखते हैं। कुछ परफ्यूम्स के बारे में मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सुना हो एंड वही परफ्यूम ऑर्डर किया हो मैंने जो कि मुझे अच्छे लगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यू वीडियो भी देखा उनके, तो जिनमें उनकी तारीफ ही हुई वैसे ही प्रोडक्ट मंगाया हो। और एक प्रोडक्ट है मैंने जिसके मतलब बॉटल बिटल देख के मंगाया, अच्छा ही प्रोडक्ट है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसमें हम बॉटल के, पैकेजिंग के, ये सब के भी बारे में बात करेंगे ये वीडियो, पर ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे। बाकी जो उसकी मेन सेंट है ये सब है उस पर ही बात करेंगे, जो कि परफ्यूम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो उसकी सेंट फ्रेगनेंस ही रहती है ना। तो चलो फिर चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अमेज़ॉन की वीकेंड सेल चल रही है, तो जाइए उसका आनंद प्राप्त कीजिए, आनंद उठाइए फुल सेल का। और अमेज़ॉन की ना आपको ऐसी सब सेल छोड़नी नहीं चाहिए, जाइए और वीकेंड सेल का फुल फ़ायदा उठाइए। हमारा पहला परफ्यूम है वो है ये बियर्डो ओरिजिन। तो आप लोग देख सकते हो भाई, इसकी जो बॉटल है एंड इसकी जो पैकेजिंग आई थी ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। बाय द वे, अगर आप कोई लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम की तलाश में हो तो दिस इज़ फॉर यू। और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस है इसकी काफ़ी ज़्यादा। कोई भी परफ्यूम में ना तीन नोट्स होते हैं, जो उसके सबसे पहली नोट रहती है, फिर दूसरी एक मिडल नोट रहती है एंड एक तीसरी बॉटम नोट रहती है। तो इस परफ्यूम जो है हमारा बियर्डो ओरिजिन, इसकी जो नोट्स है आपको इधर दिख रही होगी, तो स्क्रीन पे अपीयर है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो टॉप नोट है हमारी लेमन ग्रीन, ऐसे ही इसकी दो और नोट्स आप लोग देख सकते हो। एंड इसकी खुशबू ना मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एंड अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, कोट पैंट सूट बीट मार के कहीं जा रहे हो ना, तो दिस इज़ फॉर यू। और मैं पर्सनली इसे ना दो तीन बार यूज़ किया, अपने फेयरवेल में तक मैंने ये वाला परफ्यूम यूज़ किया था एंड पर्सनली ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ओके, सो जो हमारा अगला परफ्यूम है वो है ये बियर्डो गॉडफादर। बढ़ते हैं हमारे दूसरे परफ्यूम की तरफ एंड हमारा जो दूसरा परफ्यूम है ना, वो भी बियर्डो का ही परफ्यूम है एंड वो है हमारा टडा, तो ये है बियर्डो गॉडफादर। 100 ml की भी ये बॉटल हमने मंगाई है अमेज़ॉन से। पर्सनली मैं आपको बता दूँ ना, बहुत ज़्यादा जेंटल लुक है इसका। इधर एक बोटाई का भी लोगो दिया है, तो अच्छी मतलब इसकी पैकेजिंग, बॉटल वोटल भी अच्छी लगी मुझे। और मतलब बट मैं कोई ना सही बता दूँ, बियर्डो जो ओरिजिन इससे पहले वाला परफ्यूम था उसकी काफ़ी ज़्यादा, उसकी एक अलग क्लास थी एंड ये भी सही है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ ना इन दोनों की बॉटल ये सब में पैकेजिंग में, तो वो मैं प्रेफर करूँगा। एंड अभी सेंट की बात करें ना हम अगर खुशबू की, तो इसकी भी अच्छी खुशबू है, बट अगर हम दोनों उनमें कंपेयर करें ना, तो मैं उसको चूज़ करूँगा, बियर्डो ओरिजिन को। मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है ये आपकी स्किन के लिए, कि अच्छी खासी EDP कंज्यूम करता है ये। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, तो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम की तलाश में हो तो ये दोनों परफ्यूम आपको मिल जाएंगे एंड 1000 rupees के अंदर ही आपको ये परफ्यूम आपके बजट में फिट हो जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा इसके सस्ते की तलाश में ना, तो जो हमारा अगला परफ्यूम है वो आपके बजट में आ जाएगा, आपको कौन से भी आपके जनरल कोई भी स्टोर्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं आपको उससे मिला था परफ्यूम है वो है ये कोड का स्टील एंड वॉइस टून का। ये जो कोड स्टील है ये मेरा, मैं आपको बता दूं, मेरा पहला परफ्यूम है एंड इससे ही मैंने अपने परफ्यूम की जो जर्नी से वो शुरू किया हो। एंड अभी आप लोग देखोगे ना अच्छा खासा मैंने इसमें भी कलेक्शन कर दिया हो, काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर्स के लिए प्रोडक्ट आते हैं ऐसे ऐसे, बट हमारे पास अभी अच्छे परफ्यूम का एक कलेक्शन हो गया है। एंड स्टार्टिंग में जब मैंने ये परफ्यूम यूज़ किया ना, मैं सही में बता दूँ आपको सीरियसली, अगर आप भी एक टीनेजर हो एंड परफ्यूम में जाना चाहते हो, इसे ट्राई करना चाहते हो, वैसे डेफिनेटली आपको परफ्यूम में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आपकी खुशबू भी मैंने देखा हूँ और इसके लिए मैं पर्सनली, मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बता दूँ अपना एक्सपीरियंस है। तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, परफ्यूम में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी स्मेल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइजीन पर आपकी कॉन्सेंट्रेट करती है ये सब चीज़ें। और आपको जैसा कि मैं बोला इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड जो मेरे जो लाइफ का सबसे पहला परफ्यूम था वो है ये कोड वाइल्ड स्टोन कोड स्टील, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चीप प्राइस में आपको आपके मेडिकल स्टोर्स में, जनरल कोई भी स्टोर में अवेलेबल
अवेलेबल हो जाएगा तो आप उधर से ये ले सकते हो। बाय द वे आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो अमेजोन से। सारी जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये परफ्यूम ना पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया तो उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। देखो अभी ये सारे परफ्यूम रहते हैं ना, इसमें हाई EDP कंज्यूम होता है तो ये थोड़े ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। बट ये परफ्यूम ना मिडल है, उतना भी शॉर्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट अच्छा ही है ये परफ्यूम। एंड अगर आप पहली बार एक परफ्यूम को यूज़ कर रहे हो, आपका बजट कम है, आप एक टीनेजर हो मेरी तरह, तो आपको इसे डेफिनेटली फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करना चाहिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो फिर भी आपको एक परफ्यूम चाहिए एकदम चीप प्राइस में, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। बहुत प्यारी स्मेल है इसकी, बहुत प्यारी फ्रेगनेंस देता है। एंड दैट्स इट। जो हमारा लास्ट फ्रेगनेंस है वो है ये विलेन। तो ये है मेरा दूसरा परफ्यूम, पर्सनली ये मैंने अपने पैसे से ऑर्डर किया हो। और इसको जब मैंने मंगाया था ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा इसका जो ब्लैक सा लुक था एंड काफ़ी ज़्यादा, मैं पर्सनली आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा सेक्सी सा लुक था, तो मैंने इसकी जो पैकेजिंग थी उस पर ही ऑर्डर किया हूँ। हाँ मैं बेसिकली बता, बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना आपको, इसकी एक वेनिला जैसी फ्लेवर थी तो जिनको वेनिला पसंद है उनके लिए तो सही है, बट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा ये परफ्यूम। सीरियसली जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, एक हद तक ठीक है एक पॉइंट तक, बट ये उतना लॉन्ग लास्टिंग मेरे लिए फ्रेगनेंस इसकी हुई भी नहीं, उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं चला। एंड यूज़ करने के बाद ना मतलब उतना मज़ा नहीं आया इसमें जितना कि मेरे को ओरिजिन में आया है, बियर्डो गॉड फादर में आया, उतना मेरे को ये विलेन में मज़ा नहीं आया। तो मैं आपको, अगर आपको ट्राई करना चाहते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है ये परफ्यूम भी, अगर आपको इसकी उतना भी बुरा नहीं है, ये वर्स नहीं है, मैं बस बेटर है ये परफ्यूम, तो अगर आपको चाहो तो आप ये भी परफ्यूम ट्राई कर सकते हो। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार, ये जो तीन प्रोडक्ट है ना, इन तीनों में से कोई अगर हो सके तो चूज़ कीजिए, या फिर बट इसकी तरफ अगर आप जाना है तो जा सकते हो विलेन की तरफ, बट नॉट बैड, हाँ उतना भी बुरा नहीं है। बट इन तीनों की अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना तो विलेन को मैं लास्ट में रख रहा हूँ इसके लिए ये वीडियो में। बाकी मेरे को ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट लगे, बहुत प्यारी ही फ्रेगनेंस है इनकी। और ये सारी जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया वो अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे, सो उधर से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हो। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हम थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स के रिव्यू कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो अगर आपको पसंद आया तो यार बताइए कमेंट्स करके आपकी ओपिनियन बताइए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द एंड गुड बाय।